श्री मनोज कुमार, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम प्रक्रिया 50 के तहत स्थगन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में झींगा पालन मत्स्य का बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा स्थान है, जिससे मेरे वहाँ के किसान लगभग 400 से 500 किसान उन्होंने झींगा मच्छी पालन का कार्य कर रखा है। लेकिन झींगा मच्छी के कनेक्शन में एक व्यवसाय के रूप में, उद्योग के रूप में उनका बिल का भुगतान लिया जाता है, जो कि किसान के साथ वो वहन करने में सक्षम नहीं है। वहाँ जमीन का पानी खारा है, ना सिंचाई है, और किसान के लिए एक बहुत बड़ा उपयोगी झींगा फार्म का जो संसाधन वहाँ उपयुक्त हुआ है, उसमें अगर सरकार उनको विद्युत कनेक्शन जो दे रही है, वो विद्युत कनेक्शन किसान की श्रेणी में मानते हुए, किसान को जिस तरीके से रियायती दर पर कनेक्शन दिए जाते हैं, जो बिल दिया जाता है, उस आधार पर झींगा पालन के किसानों को कनेक्शन दिया जाए, जिससे मेरे वहाँ किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में किसान इस झींगा मच्छी पालन को बहुत बड़े स्तर पर ले जाएंगे। मेरे वहाँ क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में खारा पानी है जमीन का, और मच्छी पालन का बहुत बड़ा स्थान बन गया है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें और इनको कृषि कनेक्शन की तरह ही कनेक्शन दें, जिससे मेरा व्यवसाय फलीभूत हो, किसान लाभान्वित हो। धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री हरिमोहन शर्मा। सबसे